Well, hello, first, welcome to another episode of Bollywood This Week. I'm Amran Sari. आप सभी लोगों का रणवीर सिंह एंड कबीर खान की फिल्म 83 के फाइनल डे वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी, शो काउंट एज वेल एज स्क्रीन काउंट एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? आज का एपिसोड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि रिलायंस ने जो मैटर दिया है, जो लिस्टिंग दी है, स्पेशली इसके स्क्रीन काउंट को लेकर, एब्सोल्युटली परफेक्ट नंबर्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, डिस्ट्रीब्यूशन टू द पॉइंट, स्क्रीन टू द पॉइंट, शोज टू द पॉइंट, प्राइस भी जबरदस्त रखा है। आई सी नो रीजन वाई 83 शुड नॉट अर्न एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस। रिव्यूज सुपर मिले हैं, सुबह मैंने फिल्म देखकर आया है, प्री इंटरवल, उसके बाद पोस्ट द मूवी एंड बिफोर गोइंग टू द शो, सारे के सारे रिव्यूज रखे हैं, आप जाके देख सकते हो। इट्स एन एब्सोल्युटली अमेजिंग मूवी, इन वन वर्ड ब्लॉकबस्टर कह सकता हूँ। अब क्या ये रिव्यूज जो है वो ऑडियंस में ट्रांसलेट होते हैं नहीं होते, सारी की सारी चीजें आज के एपिसोड में, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पोस्ट पैंडमिक की बात करूं, यानी कोरोना काल के बाद, तो सूर्यवंशी गॉट द वाइडेस्ट रिलीज, यानी कि 3519 स्क्रीन्स में सूर्यवंशी रिलीज हुई थी। ऑब्वियसली यहां पर रिलायंस ही इन्वॉल्व थी। ओवरसीज की बात करूं तो सूर्यवंशी को 1300 स्क्रीन्स मिले थे। अब गाइस बात करूं 83 की, तो 83 का ओवरसीज कलेक्शन बहुत जबरदस्त होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि रणवीर सिंह की पिछली जितनी भी फिल्में हैं ओवरसीज में बहुत अच्छा कलेक्शन करती हैं वो। एंड ओवरसीज का जो स्क्रीन काउंट है, सभी लोगों को मैंने दो दिन पहले ही बता दिया था, वो था 1512, यानी कि 1512 स्क्रीन्स में 83 रिलीज हुई है ओवरसीज में, एंड इन हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, 2D एज वेल एज 3D वर्जन में, एंड सूर्यवंशी वॉज जस्ट 1300 स्क्रीन। सो गाइज, बहुत ज्यादा स्क्रीन काउंट है। इतना ही नहीं, रणवीर सिंह की फिल्म 83 जो है उनको ऑलमोस्ट 44 स्क्रीन्स में KSA यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में रिलीज किया, जो कि अब तक की हमारी इंडियन फिल्म का हाईएस्ट स्क्रीन काउंट है। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं इसके इंडिया स्क्रीन काउंट के बारे में। देखिए गाइज, अगर हिंदी वर्जन के बारे में बात करूं, देन गाइज इसको सूर्यवंशी से कम स्क्रीन्स मिले हैं, लेकिन अगर मैं इसको हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, सारे इवन कन्नड़ा, इन सारे भाषाओं को मिला लूं, देन गाइज इसका जो स्क्रीन काउंट है वो सूर्यवंशी को क्रॉस करता है। सूर्यवंशी ने ऑलमोस्ट पहले दिन 26 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। यस, कल 83 के लिए बॉप लेवल का कलेक्शन होगा, क्रिसमस है, एंड क्रिसमस पे कैसा कलेक्शन है सभी लोगों को पता है, तो कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है इस फिल्म के लिए। एंड गाइस, बात करूं सूर्यवंशी की, तो सूर्यवंशी को इंडिया में 3519 स्क्रीन मिले थे हिंदी वर्जन में, 83 को हिंदी वर्जन में 3374 यानी कि 3374 स्क्रीन मिले, यानी कि हिंदी वर्जन में कम मिले हैं। लेकिन मेरा भाई, होल्ड योर ब्रेथ, तेलुगु नागार्जुन हु इज प्रेजेंटिंग इट 137 स्क्रीन्स, तमिल यानी कमल हसन जी 184 स्क्रीन्स, मलयालम यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन 13 स्क्रीन्स, एंड कन्नड़ा यानी कि किच्चा सुदीप 33 स्क्रीन मिले हैं। इसी के साथ द ग्रैंड टोटल फॉर 83 स्क्रीन काउंट इज 3740 पे एक, यानी कि 3741 स्क्रीन, पॉप लेवल का स्क्रीन काउंट है। एंड यू नो, टिकट प्राइसेस भी जो है सूर्यवंशी से ऑलमोस्ट 10-15% ज्यादा है। तो गाइज, इट इज एन एब्सोल्यूट बिग रिलीज बाय रिलायंस। आज नॉन हॉलीडे है, कोई भी छुट्टी नहीं है, इसलिए पहले दिन का कलेक्शन थोड़ा अंडरवेलमिंग आ सकता है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे कलेक्शन भी बढ़ते जाएंगे। बट शोज बता देता हूँ आपको, इंडिया में हिंदी वर्जन को मिले हैं 11,011 शोज, तेलुगु को मिले हैं 465 शोज, तमिल 501 शोज, मलयालम 28 शोज, एंड कन्नड़ा को मिले हैं 39 शोज, यानी कि ये फिल्म जो है 2094 प्रॉपर्टीज में रिलीज हो रही है, विद अ कल्मुलेटिव टोटल ऑफ 12,044 शोज रनिंग इन अ डे ऑन 3741 स्क्रीन्स। बाप लेवल का रिलीज किया रिलायंस ने पोस्ट पैंडेमिक, वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन आई हैव सीन। अब मुद्दे की बात करते हैं कि कलेक्शंस किस तरह से आएंगे, और फिर हम पहले डिस्कस करेंगे इसके 2D वर्जन के बारे में, फिर हम जाएंगे 3D में। बात करें 2D वर्जन की, तो मॉर्निंग शोज 24% पे ओपन हुए थे, आफ्टरनून ने थोड़ा बहुत जम दिखाया 26%, एंड इवनिंग शोज वर वेरी गुड 38%। एंड अभी गाइज लगभग 7:30 बज रहा है, एंड गाइज जो रात के शोज है वो अभी 41% पे है। यस, बहुत जल्दी एपिसोड बना रहा हूं मैं,
रात को 10:30-11 बजे किस तरह सिंगल स्क्रीन परफॉर्म करते हैं वो भी कलेक्शन पे बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रहेगा। तो अप एंड डाउन आएगा कलेक्शन, लेट्स सी। स्क्रीन काउंट मुझे आप सभी लोगों को बताना था, इसलिए मैंने एपिसोड जो है वो आपके पास लेकर आया हूँ। एवरीवन, बात करेंगे अभी हम किस तरह से इसके 2D शोज जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुंबई में 568 2D शोज है इसके पास। यस फ्रेंड्स, 568 वेरी हेल्दी 2D शो काउंट, जिसमें से गाइज इसकी जो ऑक्यूपेंसी है इवनिंग के शोज की वो है 50%, यानी कि 50% ऑक्यूपेंसी है इसके इवनिंग के शोज की मुंबई में। ओवरऑल की बात करूं तो 38%, बात करूं दिल्ली NCR 579 शोज में 37% ऑक्यूपेंसी इन द इवनिंग शोज ओवरऑल 24। पुणे की बात करूं 192 शोज में 45% ऑक्यूपेंसी। बैंगलोर की बात करूं तो ऑलमोस्ट 141 शोज में 68% की ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद में ऑलमोस्ट 106 शोज मिले हैं 48% की ऑक्यूपेंसी। कोलकाता में ऑलमोस्ट 168 शोज 51% की ऑक्यूपेंसी। यानी कि इसके जो 2D शोज है वो बहुत सॉलिड है, लेकिन द मेन मुद्दा इज नन अदर देन द 3D वर्जन। 3D वर्जन मॉर्निंग में सिर्फ 19 था, आफ्टरनून में सिर्फ 22 हुआ। कई जगहों पर फिल्म में डिस्प्यूट की वजह से रिलीज नहीं हुई कुछ थिएटर्स में, जिसमें से गेटी गैलेक्सी एक थिएटर था जो बाद में 3:30 बजे के बाद यहाँ पर लगाया। मनोज देसाई का पहले से है, पीके के टाइम से है कलेक्शन। पैसा बढ़ाने बोलेगा टिकट का, डजंट डू दैट, जो है वही से चलता रहेगा। एंड वही हुआ, बाद में कुछ शॉर्ट आउट हुआ, 3:30 बजे वापस शोज चालू हो गए। एंड गाइस इवनिंग की बात करो 31%, एंड रात के शो अब जाके पिकअप हुए है 38। यानी कि 3D शोज जो है उनको जितना पिकअप मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। एंड गाइस इसी का कारण है तो कलेक्शन जिस तरह से आने चाहिए थे शायद उस तरह से ना आ पाए। बात करें मुंबई की तो 400 शोज में ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 31% थी। दिल्ली NCR 318 शोज में ओनली 18% था। पुणे की बात करें तो 119 शोज में 24%। बैंगलोर 122 शोज में 29%। हैदराबाद 85 शोज में 31%। यानी कि 3D शोज विल हैव टू वर्क अप एंड बग अप फ्रॉम टुमारो। बात करो कर्नाटक वर्जन की तो वेरी डिसमल। बैंगलोर में कर्नाटक वर्जन के 21 शोज है, गिन चुन के बहुत कम शोज है कर्नाटक में, जहाँ पर 5-6% ऑक्यूपेंसी। तो डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम द कन्नड़ा वर्जन ऑफ दिस फिल्म। ओके, 3D में भी बात करूँ तो बहुत कम शोज है। तमिल 3D की बात करूँ तो गाइस तमिल 3D इज डूइंग रियली डिसेंट बिजनेस। 64 शोज है चेन्नई में, जहाँ पर 28% की ऑक्यूपेंसी है। मदुराई में 11 शोज है, 25% की ऑक्यूपेंसी है। उसके बाद त्रिची में 8, वेल्लूर में 3, सैलम में 3, बस ज्यादा शोज है ही नहीं तमिल वर्जन के। बात करो तमिल 2D वर्जन के, तमिल 2D भी 38 शोज है चेन्नई में, बाकी सब जगह कोयम्बतूर पौंडीचेरी 1-2, 1-2, उसके भी कलेक्शंस हार्डली लाख रुपए में आने वाले हैं। बात करो गाइस मलयालम की तो उसका ना ही पूछो तो बेहतर होगा। कोची में 2 शो है, उसके बाद त्रिशूर में 3 शो है, एलपी में 3 शो है, इसकी ऑक्यूपेंसी बस 7-8% की है। तो तेलुगु तमिल कन्नड़ा वर्जन से मलयालम वर्जन से एक्सपेक्ट मत करना ज्यादा कलेक्शन आने की। जो मेन कलेक्शन है वो हिंदी में आएगा। बात करो तेलुगु शोज की तो तेलुगु में 13 शोज हैदराबाद में, 13 शोज विजयवाड़ा में, 5 शो वरंगल, गुंटूर में 2 शो, इसका 2D वर्जन की बात कर रहा हूँ। बात करो 3D वर्जन की तो हैदराबाद में 13 शोज, विजयवाड़ा में 16, यानी के कुल मिला दूं तो तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इसके 2D 3D शोज मिलाकर बस 1-1.25 करोड़ तक आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर विल ऑलवेज बी द हिंदी वर्जन फॉर 83 द फिल्म। एंड अब ये कलेक्शन देख के लग रहा है कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है वो 16.5 से लेकर 17 करोड़ के बीच में तो डेफिनेटली कमानी चाहिए। लेट्स सी गाइस, सब कुछ निर्भर है रात के शोज पर। रात के शोज चले तो ऊपर जाएगा, नहीं चले तो उसके नीचे गिरकर शायद ये फिल्म 15-15.5 तक भी आ सकती है। लेकिन फिलहाल आई एम कीपिंग अ वेरी पॉजिटिव प्रेडिक्शन, 16.5 से लेकर 17 करोड़, एवरीथिंग इज गोइंग इन फेवर। शोज है, स्क्रीन्स है, सुबह में गया मेरा शो तो फुल था, मैं आपको दिखाया वीडियो में जाकर। हाँ, टिकट के रेट्स भी ज्यादा है, फिल्म ब्लॉकबस्टर है, रिव्यू ब्लॉकबस्टर है, देयर इज नथिंग गोइंग अगेंस्ट 83। बस अब ऑडियंस आना थिएटर में, दैट इज इम्पॉर्टेंट। यू गाइस देख रहे हो सभी जगहों पर क्या हो रहा है, नाइट कर्फ्यू लग रही है। एंड मैंने पुष्पा के कलेक्शन एपिसोड में बताया, जैसे नाइट कर्फ्यू लगा सबसे पहले गवर्नमेंट क्या बंद करती है, सिनेमा घर बंद करती है। तो डर है तो लोगों में, शायद वो कलेक्शंस पे असर दिखाई देगा। तो लेट्स सी, आने वाला समय बहुत ही क्रूशियल है हमारी फिल्मों के लिए। भी बिग बिगी RRR लाइंड अप, ऐसा हुआ तो फिर वो फिल्म कैसे रिलीज होगी पता नहीं। लेकिन फिलहाल 83 रिलीज हो गई, हम 2020 से इसके बारे में बात कर रहे थे, आज उसको बड़े पर्दे पर देखा, बहुत अच्छा लगा। 2 साल हमारा लॉकडाउन
सूर्यवंशी 83 सूर्यवंशी में गया था। आज जितने भी लोग हैं मेहनत के, स्पेशली शिवशी सरकार जी जो है रिलायंस के, उन्होंने जितनी भी मेहनत की, एवरी वन इन्वॉल्व इन द टीम ऑफ 83 कबीर खान, एवरी वन दे हैव डन अ फैब जॉब इन रिलीजिंग दिस फिल्म। स्टे कूल मैन।